नमस्कार, अब खबर कामा से। सीओ आवास के सामने से होकर गुजरते हैं ओवरलोड वाहन। ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से सड़कों की हालत खराब, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। हर रोज गुजरते हैं सैकड़ों वाहन। ओवरलोडिंग वाहनों के चलते क्षेत्र की सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर कामा क्षेत्र तक लगभग 2 थाने में 5 चौकियों के सामने से बिना रोक टोक के निकलते हैं ओवरलोड वाहन, जिससे दुर्घटना का शिकार आमजन को होना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी अपने चालान का लक्ष्य पूरा करने के बाद शांत बैठ जाते हैं। वहीं ठेकेदार द्वारा 2 थाने व 5 पुलिस चौकी द्वारा कार्रवाई नहीं करने की ली जाती है गारंटी, जिसमें इसकी एवज में गाड़ी मालिक से एक मुश्त में ली जाती है राशि और एक टोकन गाड़ी पर चिपकने के लिए दिया जाता है, जिसे देखकर कोई भी पुलिसकर्मी उस गाड़ी पर नहीं करता है कोई कार्रवाई। पहाड़ी उपखंड क्षेत्र में खनन कार्य के लिए जाना जाता है, जिससे कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ओवरलोडिंग वाहनों का आवागमन होता है, जो कि वाहनों से लोडिंग क्षमता से दुगना माल भरकर 2 थाने व 5 चौकियों के सामने से गुजरते हैं। वहीं ठेकेदार लोकल गाड़ियों से 6,000 व अन्य राज्य की गाड़ी से 7 से 9,000 प्रतिमाह किस्त के तौर पर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश मथुरा तक ली जाती है जिम्मेदारी। कामा से टीवी न्यूज चैनल के लिए हरिओम कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।